तो कैनेडा अपलाई करना चाह रहे हो केवल एस डी कैटेगरी अपलाई करो। पी टी के उत्ते रिजल्ट नॉन एस डी कैटेगरी के रिजल्ट 15-15 दिन च रिफ्यूज होकर आ रहे। एक्चुअल की है और हवाई फायर की है। नॉन एस डी कैटेगरी वीज़ा सक्सैस रेट 10% तो ज़्यादा नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तो अपना सुखचैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन तो एक फिर कैनेडा की नवी न्यूज़ लैके तो रूबरू हो रहा। इस वीडियो एंड तक देखियो, चैनल में सबसक्राइब कर लियो नवी अपडेट्स लैन के लिए और बैल वाले बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लियो ताकि नवी नवेकली अपडेशन तो सांझी हो सके सब तो पहला इस चैनल के जरिए। कैनेडा एक होर न्यूज़ आई है जी, वो कह रहे हैं कि हुण जिन्ना स्टूडेंट्स ने आयल्स जनरल किया 6 बैंड ईच है वो एस डी एस कैटेगरी अपलाई कर सकेंगे। बड़ी खुशी की खबर है। वो कह रहे हैं अगर पी टी किया टोफल किया नॉन एस डी एस कैटेगरी अपलाई कर सकते हो और एजेंटा ने आपसी भी पता की अटकल बच्चे लाने शुरू करते हूँ पी टी के वीजे होने दब के क्योंकि खुद अंबैसी ने कह दिता जी हूँ पी टी की फाइल तुम नॉन एस डी एस कैटेगरी पा सकते हो पहले नहीं कहा बट रिजल्ट किन्ने आ रहे हैं रिजल्ट तो सारे के सामने। कई गल्ला किताबों च नहीं लिखिया होंदिया अपने तजर्बे दे नाल एक्सपीरियंस दे नाल और रिसर्च दे नाल चीज़ा प्रूव कीतियां जांदियां ने। हुण एक गल दा राज़ तुहाडे नाल सांझा करा, आर एस ग्लोबल ऑलरेडी घट्टो घट 5 तों 6 वीज़े लै चुका है आयल्स जनरल कैटेगरी दे विच। साहिलप्रीत सिंह की गल करा, सुखदीप कौर की गल करा या किरण स्टूडेंट की गल करा, ये फेसबुक जाके वीडियो देख लियो। इन्हां स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आयल्स जनरल दे नाल वीज़े लै चुके है आर एस ग्लोबल की मदद थ्रू। सो बेसिकली पहला कभी अनाउंस नहीं किया गया एम्बैसी वालों बट हुण ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आयल्स अकैडमिक के नाल आयल्स जनरल भी असैप्टेबल होएगा फॉर एस डी एस कैटेगरी बट रिक्वायरमेंट सेम 6 बैंड ईच चाहिए है। पर जे तुहाडे 1 मॉड्यूल साढ़े पर बैंड है या 2 मॉड्यूल साढ़े पर बैंड है स्टिल यू कैन अपलाई अंडर नॉन एस डी एस कैटेगरी चाहे आयल्स किया अकैडमिक चाहे किया जेंडर सेम तुसीं जिवें पी टी की फाइल लगाते हो। पर जो मेरा तजर्बा या मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है या जो ट्रेंडिंग कह रही है पी टी के उत्ते रिजल्ट नॉन एस डी एस कैटेगरी के रिजल्ट 15-15 दिन रिफ्यूज़ होकर आ रहे। एक पासे नवंबर पहले वीक के एस डी एस कैटेगरी के वीज़े आ रहे हैं, दूजे पासे फरवरी पहले वीक लगी फाइल 5 दिन 6 दिन रिफ्यूज़ होकर आ रही है या जनवरी के अखीरले हफ्ते लगी फाइल 10 तों 15 दिन रिफ्यूज़ होकर आ रही है। एक चीज़ ट्रेंड की समझ लैनी चाहिए तुहानू। असीं लगातार वीडियो हर रोज़ पाउण की कोशिश करते हैं, कैनेडा के रिजल्ट तुहाडे नाल ट्रेंडिंग शेयर करन की कोशिश करते हैं ताकि तुहाडे घर आके मोबाइल फोन के जरिए तुहानू सियाणा किया जा सके एक्चुअल की है और हवाई फायर की है। एक्चुअल तौर पर जिहड़ा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया शनूक नाम का एस डी एस कैटेगरी वीज़े आ रहे नॉन एस डी नहीं आ रहे। हाँ 100 पिछे कोई एक वीज़ा आ जाए तो मैं उन्होंने सक्सैस रेट नहीं कहता। अज तुम पी टी ए किया या तो 1 मॉड्यूल साढ़े पन बैंड है वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा है। कोशिश करो आयल्स करके 6 बैंड ईच लैके केवल और केवल एस डी एस कैटेगरी अपलाई करो। अज असी फरवरी के दूजे हफ्ते बैठे हैं, हो सकता मार्च चढ़ते चढ़ते फिर नॉन एस डी एस कैटेगरी वीज़े आने शुरू हो जाए और मेरी स्टेटमेंट फिर बदल जाए क्योंकि जिस इंडस्ट्री मैं बिलोंग करता हर रोज़ नवी अपडेशन आदि हर रोज़ सानू पढ़ना पैंदा हर रोज़ सानू रिसर्च करनी पैंदी है एजुकेट होना पैंदा ताकि तुहानू असी एजुकेट कर सकीए। सो अज जो गल है वो जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते बाद उहदी पॉसिबिलिटी उत्ते ठहरीए। अज नॉन एस डी एस कैटेगरी की गल कर रहा, अज मैं फरवरी के दूजे हफ्ते बैठे नॉन एस डी एस कैटेगरी वीज़ा सक्सैस रेट 10% तो ज़्यादा नहीं। हाँ जे किसी बंदे ने 1 या 2 वीज़े दिखाते पिछे 100 रिफ्यूज़ल करा दियाँ वो नहीं दिखाउणियां किसी ने। सो कोशिश करो दोस्तों, कैनेडा अपलाई करना चाह रहे हो केवल एस डी एस कैटेगरी अपलाई करो। रिजल्ट की गल करा, ट्रेंडिंग की गल करा, कैनेडा के नवंबर के पहले वीक के रिजल्ट आ रहे हैं। जिवें पहले दस के हटिया जिन्ना स्टूडेंट की फाइल नॉन एस डी एस कैटेगरी लगी है चाहे 1 मॉड्यूल साढ़े पन बैंड चाहे पी टी के नाल 10 तों 15 दिन के सीधा रिफ्यूज़ल आ रही हैं। सो जिस बच्चे की टाइम प्रोफाइल हाले लग रहा है इट मीनस उन्होंने वीज़ा आना एस डी एस कैटेगरी स्टिल तुम नॉन एस डी एस कैटेगरी अपलाई करना चाह रहे हो या कर चुके हो तो फिर तो रब रखा जो करना चाहते हो नाल फाइनैशियल डॉक्यूमेंट जरूर लगाओ। अगले साल की फीस जो 9 तों 10 लाख बनती है वो बैंक स्टेटमेंट लगाओ, पेरेंट्स के नाम की अपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सी ए रिपोर्ट फाइनैशियल मैट्रिक्स बना के लगाओ ताकि फाइल वजन भरया जा सके। फिर भी उम्मीद अरदास के उत्ते है, अरदास करो बाबे अगे वीज़ा बहुते ज़्यादा चांस नहीं। ये ट्रेंडिंग की गल की है, हो सकता मेरी इस वीडियो देख के बहुते बच्चे खुश ना हो बहुते एजेंट खुश ना हो बट सच यही है। अज तक असी उही गल्लां कीतियां जो ट्रेंडिंग रही ने या जो एक्सपीरियंस के हिसाब न सानू चंगा लगता जो सानू लगता कि आह चीज़ हो रही है। सो कैनेडा की गल की अच्छ पी टी के उत्ते केस अपलाई कर सकते हो,
आइल्स जनरल के उत्ते केस अपलाई कर सकते हो, बट नॉन एस इस कैटेगरी अंबैसी ने कदे वीज़ा देने की गल नहीं की, केस अपलाई करने की गल की है। सो जिथे एक पास खुशखबरी है कि हुण आइल्स जनरल अक्सैप्टेबल आ, उत्थे थोड़ा जिहा निराशा दा आलम भी है क्योंकि PET के उत्ते सक्सैस बहुत वधिया नहीं मिल रहा। उम्मीद करदा वीडियो जानकारी भरपूर तुहानूं पसंद आई होगी। होर नवीं जानकारियां दे लई साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, बैल वाले बटन नूं क्लिक ऑन कर लियो और वीडियो चंगी लगी दोस्तों तक जरूर शेयर करो। नवी वीडियो नवी इनफॉर्मेशन नाल फिर तुहाडे नाल हाजिर होवांगा। तद तक जिउंदे वसदे रहो, रब रखा, सत श्री अकाल।